So many things I do, and girl, you never wanna judge. But maybe you're the reason that I ever fell in love. You never give me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna. मैं सोबी दोस्ती अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सोबी दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज मेरा जो वीडियो है एक यूनिक कंटेंट पे है। हम आपको बताएंगे कि अभी हमने फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन मंगाया है, उस फ़ोन का रिव्यू करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये हमको ये फ़ोन जो है कितने रुपए का पड़ा, और ये बताएंगे कि ये फ़ोन कैसा है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है फ़ोन हमारे पास, और यही हमने फ़ोन ख़रीदा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, तो ये हमने फ़ोन ख़रीदा है। इसका बैक साइड देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अगर हाथ में भी आप पकड़ते हैं तो ख़राब नहीं लगेगा, बिल्कुल एप्पल वाली फीलिंग आएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये फ़ोन, और इसका भी फुल रिव्यू करेंगे। चलिए आप हमारी वीडियो आगे तक देखते रहिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करके आप चले जाइएगा। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ये कैसा परफॉर्म करता है, गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है, कैसे क्या करता है, इस फ़ोन के बारे में हम आपको बताएंगे, पूरी फुल डिटेल देंगे। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पीछे देखिए, जैसा देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग वाला है, ये चार्जिंग वाला है, ये जो लीड वाला है, मतलब जो कान में हम तुड़वा लगाते हैं वो है, और ये ऑडियो वाला है। जैसे मतलब जब आप बात करते हैं तो ये बात पहुंचती है वहाँ पे, और दूसरी बात जब आप अगर यूट्यूब या कुछ चलाते हैं तो यहाँ पर आप आवाज़ भी सुनाई देती है, तो ये यहीं चार्ज होती है, क्योंकि ऊपर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है इस चीज़ का, ऊपर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है। ये फ्रंट कैमरा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये फ्रंट कैमरा है, ये वाला ये फ्रंट कैमरा है, और दूसरी चीज़ ये बैक कैमरा है, वीवो का ये बैक कैमरा। और पीछे तो कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब मन ही नहीं हो रहा कि पीछे आगे बार बार देखें तो पीछे ही देख, तो यानी कि जैसा कि देख पा रहे हैं ये बैक कैमरा है। हम आपको दिखाते हैं, फुल चीज़ बताते हैं इसकी। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वॉल्यूम बटन है, जो जिससे वॉल्यूम ज़्यादा होती है कम होती है। और ये ऑन ऑफ वाली बटन है, जब आप ऑन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हैं, और ये और आप करना चाहते हो तो इसी से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये वाला, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिम, मेमोरी और दो सिम लग जाएंगे आपके। ये यहाँ पे अब हम आपको पूरा फुल रिव्यू देते हैं फ़ोन खोल के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा फ़ोन खुल चुका है। हम आपको बताते हैं कि ये फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये फ़ोन है पूरा, और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जाते हैं सीधा सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में गए, जाने के बाद हम आपको बताते हैं कि फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। मतलब एक हिसाब से बजट फ़ोन है तो ठीक ठाक है हमारे हिसाब से। तो मोर सेटिंग पे जाते हैं, मोर सेटिंग में हम आपको बताते हैं कि अबाउट फ़ोन में जाके बताते हैं कि इसका कितना प्रोसेसर है, कितना क्या है, हम सब बता देते हैं, पूरा रिव्यू करके बता रहे हैं। तो 2GB रैम है, जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि 2GB रैम है, और इसका जो वर्जन है 4.9 है। और दूसरी चीज़ है बैटरी, अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है वो 4000 mAh बैटरी है, 4000 mAh बैटरी है। और दूसरा स्टोरेज की बात करते हैं तो 32GB स्टोरेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 32GB। सब उल्टा दिख रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम फेस कैमरे से अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो हम आपको बता दें कि 32GB स्टोरेज है। और दूसरी बात, उसके बाद हम आपको अभी बैक कैमरे से भी दिखा देंगे कि पूरी एक्सेसरीज का पूरा चीज़ बता देंगे कि क्या क्या हमको इस फ़ोन में मिला है। अभी हमने फ्लिपकार्ट पे हाल ही अभी 2 दिन पहले फ्लिपकार्ट पे अभी सामान खरीदा है, तो वही सामान खरीद के अभी मंगाया है फ़ोन। तो ये फ़ोन, इसका जो प्राइस है, ये लिखा है डिब्बे में जो प्राइस लिखा है वो लिखा है 9,990 रुपये लिखा है। और आसानी से अगर आप ये हमको पड़ा है 7,990 रुपये, तो यानी कि हमको 2,000 रुपये सेव हुआ है। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि कैसा ये फ़ोन है। और अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं इस तरह का फ़ोन, जैसा कि बैक देख पा रहे हो, बिल्कुल कैमरा 13 मेगा पिक्सल और सामने का 5 मेगा पिक्सल कैमरा है। अगर आप देख पा रहे हैं ये फ़ोन,
वाकई में बहुत अच्छा लग रहा देखने में। ये इतना स्लिम है, स्लिम तो है ये, ऊपर से इसका वजन भी बहुत कम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये फ़ोन बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि नहीं ये आप हमको बताइए। और ये देखिए बिल्कुल एक हिसाब से देखें, और हम इसका पूरा फुल रिव्यू आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे दिखाएंगे और पूरा पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर वाकई में हमारे चैनल अगर हमारे चैनल के थ्रू आपको ये ज़रा सी फूल भर भी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए फ़ोन पे चलते हैं, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इस फोन में क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अबाउट फोन के लिए मोर सेटिंग पे। मोर सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अबाउट फोन, रैम, स्टोरेज, ये सब। तो सबसे पहले हम अबाउट फोन पे चलते हैं, देखते क्या क्या है इसमें। देखिए मॉडल नंबर बता रहा है Vivo 1820 और ये EMI नंबर, ये सब है। और दूसरा एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच, ये प्रोसेसर और 2 GB रैम है। और स्टोरेज के बारे में बता रहे और ये जो सब है ये सब कोई देखता है नहीं, हम आपको केवल जो मेन चीज है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि ₹7,990 मगर जब ये खरीदा तो इसका कलर, पीछे का कलर और सब कुछ बैकग्राउंड ये सब बहुत अच्छा लगा देख के। हम वही चीज है कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, कोई मतलब ये नहीं कि खराब लगे। और हाँ कैमरा हम आपको बताते हैं, इसकी फ़ोटो भी दिखाते हैं कि फ़ोटो कितनी अच्छी आती है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने इसकी फ़ोटो खींची, ये चार्जर की खींच दी आपके सामने, खींच के हम दिखा रहे हैं। और खींचा, खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ोटो की क्लियर कितनी क्लियर आ रही फ़ोटो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बैक कैमरा है। अब हम आपको फ्रंट का दिखाते हैं, फ्रंट का दिखाते हैं। अब फ्रंट में जैसे मान लिया कि ये देखिए जैसे मैंने कैमरा लिया हुआ है ना, वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको फ़ोटो खींच के दिखाते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि फ़ोटो कैसी आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ़ोटो आप देख सकते हैं उस हिसाब से बजट फ़ोन और अच्छी खासी फ़ोटो आ रही है। तो यानी कि अगर आप फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत से मोड हैं, आप किसी भी मोड में सब कुछ बदल सकते हैं। आप वीडियो भी बना सकते हैं, फेस में अपने ब्यूटी भी लगा सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लगा सकते हैं। और अगर आप वीडियो, अगर आप इससे वीडियो भी बनाना चाहते हो तो वीडियो भी बना सकते हैं। अगर गेमिंग की बात करें तो PUBG जैसे गेम भी आप इसमें खेल सकते हैं, मतलब हाई क्वालिटी PUBG जैसी गेमिंग, जैसे लाइट वाइट अगर खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हैं। मगर ज़्यादा बर्डन अगर आप डालेंगे तो ये फ़ोन ख़राब हो सकता है, तो यानी कि ज़्यादा बर्डन आप नहीं डाल सकते हैं। और आपको हम बाद में मिलते हैं जैसे, और इसके फिर बाद हम बताएंगे कि ये गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि ये अभी नया नया अभी आया है तो अभी इसका थोड़ा परफॉर्म करेंगे, गेम खेल के बताएंगे कि आपको कैसा गेमिंग के लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए।